हेलो स्टूडेंट्स तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का मैनेजमेंट किस तरीके से होता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में सो so, इसके टोटल सिक्स पॉइंट्स है वन बाय वन हम हर एक के साथ डील करेंगे सो so, सबसे पहला पॉइंट है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कि कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मोड का हम यूज़ कर रहे हैं लाइक like, हम क्या लैंड का यूज़ कर रहे हैं या फिर क्या हम वाटर का यूज़ कर रहे हैं या फिर हम एयर का यूज़ कर रहे हैं तो ये हमको डिसाइड करना होता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कि विच मोड आर वी यूजिंग ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सेकेंड इज मैथड ऑफ सिलेक्शन मेथड ऑफ सिलेक्शन में वी डिसाइड कि इफ वी आर यूजिंग लैंड सो उस लैंड में विच वन वी आर यूजिंग इधर वी आर यूजिंग द रेलवेज और वी आर यूजिंग द रोडवेज सो दिस वी हैव टू डिसाइड वेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैथड ऑफ़ सिलेक्शन इन द ट्रांसपोर्टेशन मीडियम और ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो प्रोडक्ट का ओवरऑल कॉस्ट है क्या उसके लिए कौन सा ट्रांसपोटेशन मेथड विल भी बेटर कौन सा मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल भी बेटर वो आपको डिसाइड करना है लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट सिर्फ uh, मान लो दस हजार रुपये लग रहे हैं ठीक है तो उस दस हजार रुपए लग रहा है तो आपके लिए ये बेटर होगा कि आप रोडवेज के थ्रू लेके जाओ या फिर आपके लिए ये बेटर होगा कि आप एयरवेज के थ्रू लेके जाओ सो so, यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है या फिर आप इसको वाटरवेज के थ्रू लेके जाओ आपको ये डिसाइड करना है सो so, अभी फिलहाल क्योंकि आपका कॉस्ट बहुत कम है इसलिए तो आपके लिए मोर कन्वीनियंट कौन सा होगा कि आप रोडवेज़ यूज़ करो बिकॉज अगर आप एयरवेज या वाटरवेज पे जाते हो तो उस पे आपका काफी पर आपका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा बिकॉज आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है अगर आप उसमें अपना प्रॉफिट भी ऐड करोगे तो फिर वो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करेगा अगर आप एयरवेज या वाटरवेज के थ्रू जाओगे एज़ कम्पेयर टू अगर रोडवेज के थ्रू जाओगे आपको सस्ता भी पड़ जाएगा और आपका कॉस्ट भी आपका उसमें कवर हो जाएगा ओके सो यह आपको डिसाइड करना होता है वेन यू आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फिर आता है फोर्थ पॉइंट जो कि है फ्लीट साइजिंग एंड कॉन्फिगरेशन फ्लीट साइजिंग में अगर आपका क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है प्रोडक्ट का तो आपके लिए बेटर होगा कि आप लार्ज फ्लीट साइज यूज़ करो ट्रांसपोर्टेशन का अगर आपका क्वालिटी सॉरी क्वांटिटी कम है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन लाइक अगर आपको कम सामान भेजना है किसी दूसरे पर्टिकुलर एरिया में तो उसमें आपको कम फ्लीट साइज स्मॉल फ्लीट साइज भी आप यूज करोगे कोई इशू नहीं है और कॉन्फिगरेशन कैसे होना है तो कॉन्फिगरेशन दो तरीके का हो सकता है लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ, आपको अपना कोई सामान पर्टिकुलर हिली एरिया में पहुँचाना है ठीक है हिली एरिया में आपको अपना कोई प्रोडक्ट पहुँचाना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का कंसिडरेशन लाइक बहुत सी चीज़ों को कंसिडर करना होगा कि आप किस तरीके से कहाँ पे कौन सा वे और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करोगे तो किसी एक के थ्रू अगर आप रेलवेज यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका सामान नहीं जाएगा सो रेलवे इज़ नॉट अ राइट ऑप्शन अगर आप uh, तो, एयरवेज so, right भी यूज़ कर रहे हो तो वो भी आपका कॉस्टली भी पड़ जाएगा और अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन uh, कॉस्ट कम है तो आप उसको भी ऑप्ट नहीं कर सकते हो तो उस केस में आपके लिए बेटर होगा रोडवेज बट रोडवेज के थ्रू भी आपको भी लंबा समय अगर हिली एरिया ऑब्वियसली दूर है वो तो वहाँ पे भी आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा तो इसलिए आप क्या करते हो कि बहुत टाइम आप चार दो दो या दो से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन वेज़ को यूज़ करते हो ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स को यूज़ करते हो बेसिकली तो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई जो प्रोडक्ट है वो ए नाम का कोई प्लेस है पहले वो ए से बी पे गया ठीक है फिर वो बी से सी पे गया और सी से अल्टीमेटली डी यानी कि सॉरी सी से अल्टीमेटली डी यानी कि आपका हिली एरिया जो भी पर्टिकुलर एरिया था वहां पहुंच गया तो ए से भी वो रेलवेज के थ्रू गया था और बी से सी और सी से डी वो रोडवेज के थ्रू गया था ठीक है तो यहाँ पे दो मेथड ट्रांसपोर्टेशन के यूज़ किए गए एक रेलवेज़ और एक रोडवेज़ तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है कि आपका फ्लीट साइज़ कितना होगा और वो किस कॉन्फिग्रेशन से फ्रॉम विच कॉन्फिग्रेशन इट विल बी क्या वो रोल रोड प्लस रेल प्लस एयरवेज होगा या फिर वो रेल प्लस रोड प्लस एयरवेज होगा वो आपको डिसाइड करना है ठीक है फिर आता है फिफ्थ नंबर पे रूटिंग एंड शेड्यूलिंग इसमें आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन से रूट रूट से जाना चाहिए आपके प्रोडक्ट को ताकि उसका कॉस्ट कम हो जाए लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है और ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है ये तीन जगह आपको अपना सामान पहुंचाना है ठीक है पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी और आपको अब इसके लिए बेस्ट रूट सेलेक्ट करना है तो टोटल समझ लो तीन रूट है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे बीच में भी दो चार जगह आ रहा है ठीक है ये डी पॉइंट और ये ई e पॉइंट आपको इन तीनों जगह पे पहुंचाना है ए बी सी पे पहुंचाना है और यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो ठीक है तो आपका पहला रूट हुआ जो कि इधर गया फिर यहाँ से इधर गया फिर यहाँ से इधर गया ये फर्स्ट रूट था ये आपका यहाँ से इधर गया डी पे डी से फिर वो ई पे गया और ई ए से ए, ए से फिर बी और बी से फिर वो सी पे गया ठीक है तो चलो दो ही रूट ले लेते तो अभी आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है ना कि आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट कौन सा है जब आप ये वाला ऑप्ट करो ये रूट नंबर वन यूज़ करो बिकॉज ये आपको उस रूट से लेके जा रहा है जहाँ आपका कॉस्ट भी कम पड़ेगा और उस पर्टिकुलर एरियाज में आपको अपना सामान भी पहुँचाना है तो आपको वो रूट नंबर बी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज तीन जगह दो तीन रास्ते ऐसे आ रहे हैं दो तीन रोड या एरियाज़ वैसे आ रहे हैं जहाँ पर आपको अपना प्रोडक्ट नहीं पहुँचाना है तो इसमें आपको बेस्ट रूट सेलेक्ट करना होता है ताकि जिससे आपको सबसे कम कॉस्ट लग सके लास्ट आता है फ्यूचरिस्टिक डायरेक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूचरिस्टिक डायरेक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन में आप क्या करते हो कि जो एक इसमें आपको ये समझो कि जब ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट होता है तो वो फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी भी देखता है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप अगर देखोगे ड्रोन का तो ड्रोन को भी यूज़ किया जा रहा है प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में तो आप हमेशा अपने प्रोडक्ट के लिए एक फ़्यूचरिस्टिक डायरेक्शन देखोगे या फ्यूचरिस्टिक वे देखोगे या फिर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम देखोगे जिसके थ्रू आपका सामान फ्यूचर में किस तरीके से पहुँचेगा कंज्यूमर तक वो आपको डिसाइड करना होता है तो फॉर एक्ज़ाम्पल रोपवेज जो कि हर एक आपके प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्टली पहुंचा दे तो आप फ्यूचरिस्टिक मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन मीडियम देखते हो जिसके वजह से आपका सामान जो है वो वन प्लेस टू अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच पाए ठीक है तो ये टोटल छः ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट के तरीके होते हैं इसमें से आपको हर एक चीज़ को अपने हर एक एस्पेक्ट को दिमाग में रख के और आपको अपना ट्रांसपोर्टेशन अपने सामान को अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना होता है सो आई होप कि आपको छो पॉइंट्स क्लियर हैं uh, अगर कोई भी डाउट है डू कॉमेंट मिन द कॉमेंट बॉक्स बिलो आई ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज